हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ विद अजीम। मैं अजीम आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आई थिंक दिस इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ सिंपल इक्वेशन, और लास्ट पार्ट में हमने जो है सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड भी सीख लिया है। आई मीन कि सिंपल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसका सेकंड मेथड, दैट इज कि ट्रांसपोजिंग मेथड भी हम सीख चुके हैं। और आज जो है उसी के ऊपर जो बेस्ड है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, कि जो ट्रांसपोजिंग मेथड के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, सिंपल इक्वेशंस हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे उनकी आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए कि मैं कुछ भी चीज स्किप नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूं कि मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं, ताकि आप उन क्वेश्चनों को एज अ रेफरेंस मान करके आप इक्वेशन जो पढ़ लें, यानी कि आप जो एक्सरसाइज की जो इक्वेशंस हैं, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, उन्हें आसानी से सॉल्व कर सके। क्योंकि क्या होता है कि एक्सरसाइज में क्या होता है, काफी सारे पार्ट्स हो जाते हैं किसी एक टॉपिक के, और फिर मतलब स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर तो बस एक ही टॉपिक पढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं कुछ भी चीज स्किप नहीं कर रहा हूं, उसमें मैं आपको जो हर टाइप के क्वेश्चन जो बन सकते हैं सिंपल इक्वेशन से वो आप करवा रहा हूं, और आप उन क्वेश्चंस को रेफरेंस मान करके आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करिए। अगर इन केस आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है एक्सरसाइज में, तो आप मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर एक स्पेशली एक वीडियो ले आऊंगा। सो आप बिल्कुल भी ऐसा ना समझे कि सर तो स्किप करके पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूं, आप उन्हें देखें, उनसे सीखें, और फिर अपना जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करें, ताकि आपकी भी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए, आप भी अच्छा परफॉर्म कर पाए अपने एग्जाम्स में। ठीक है, सो आज स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं, उससे पहले एक टाइप के क्वेश्चन और आते हैं, एग्जाम में कैसे आते हैं, टाइप, आई थिंक दिस इज द फोर्थ टाइप। सो ये दिस इज द फोर्थ टाइप, और क्या बोलता है एग्जाम्पल, क्या बोलता है वो, ये कहता है चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइड द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन सेटिस्फाइड आया है यहां पर, चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन। क्या बोलता है कि वो कोई एक वैल्यू दे देगा आपको एक्स की या वाई की या किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दे देगा आपको, और आप उस वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे कि एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहे हैं या नहीं। इनकेस एलएचएस और आरएचएस, जबकि ये टाइप हम पहले कर चुके हैं, बट फिर भी आपको अगर वो ध्यान ना पड़े तो फिर भी मैं ये टाइप फिर से करा रहा हूं। तो उसमें क्या करता है कि एलएचएस और आरएचएस को हम देखते हैं कि वो दोनों इक्वल है या नहीं, यानी कि एलएचएस बराबर आरएचएस है तो उस केस में आपका जो गिवन वैल्यू है एक्स का उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इन केस एलएचएस बराबर आरएचएस नहीं है तो गिवन वैल्यू जो है एक्स का उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको, बट फिर भी मैं फिर से एक बार फिर करा रहा हूं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर तो छोड़ छोड़ के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो लिख लेते हैं 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 18 गिवन x इज इक्वल टू 3। मींस क्या बोल रहा है कि x इक्वल टू 3 पर चेक करिए कि इस इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई है x इक्वल टू 3 पे या नहीं। सो उसके लिए क्या करेंगे आप, सिंपली क्या करेंगे, x की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। सो 3 इंटू 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 18, सो 3 3 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18, और 9 प्लस 9 इज 18, सो 18 इज इक्वल टू 18। मीन्स एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, क्या बोला गया है कि गिवन इक्वेशन के लिए देखिए कि x बराबर 3 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। सो हमने देखा कि LHS बराबर RHS आ गया x बराबर 3 पर। सो मींस क्या हुआ कि x बराबर 3 पर ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करती है। क्यों करती है, क्योंकि LHS जो है आपका RHS के बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड जो बराबर हो गई आपके RHS के इक्वल हो गई है। सो x बराबर 3 पर, x इक्वल टू 3 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ कोई एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं वो सेटिस्फाई होता है या नहीं, देखते हैं वो सेटिस्फाई होता है या नहीं। चलिए तो कोई एक इक्वेशन हम यहां पे नोट डाउन कर लेते हैं, हम ले लेते हैं मान लेते हैं हम 9x माइनस 9
9x माइनस 9 इज इक्वल टू 11, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 पर, मतलब कि बताइए कि x इक्वल टू 2 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, यानी कि एल एच एस बराबर आपका आर एच एस आ रहा है या नहीं। सो x इक्वल टू 2 पे हमें चेक करना है, सो चलो चेक कर लेते हैं, 9 इंटू 2 माइनस 9 इज इक्वल टू 11, ठीक है, 9 टू 18 माइनस 9 इज इक्वल टू 11, 9 टू 18 माइनस 9 इज इक्वल टू 11, 18 माइनस 9 इज 9 is equals to 11, so LHS is not equal to RHS. बात समझ में आ गई कि 9x minus 9 is equals to 11, x बराबर 2 पर ये देखना था हमें, ये चेक करना था कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। सो हमने चेक करा तो देखा कि LHS बराबर RHS नहीं आ रहा है, सो आंसर क्या हो जाएगा कि x equals to 2 पर ये इक्वेशन जो है आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि आपका LHS बराबर RHS नहीं आ रहा है। सो ये एक टाइप और होता है जो एग्जाम में आता है नॉर्मली, बहुत ज्यादा नंबर में नहीं आएगा, 1 से 2 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा में नहीं आएगा, बट पढ़ाना जरूरी था कि आपके नॉलेज में रहे कि हाँ सर पढ़ा रहे, ठीक है। सो LHS बराबर RHS नहीं आया है इस केस में, तो इसलिए ये जो है क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं होता है x बराबर 2 पर। आगे बस समझ में, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए आप जो है, अब हमने जो वो सीखा था, क्या कहते हैं, मेथड सीखा था, कौन सा, ट्रांसपोजिंग मेथड। अब उनसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उस मेथड से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। उससे पहले क्या करूंगा मैं पार्टीशन कर लेता हूं पहले बोर्ड का, इधर आ जाएगा आपका ट्रांसपोजिंग मेथड, ट्रांसपोजिंग मेथड, और इधर आ जाता है आपका सिंपल मेथड। सिंपल मींस वही दोनों एलएचएस और आरएचएस में सेम नंबर से ऑपरेशन परफॉर्म करना, वो आ जाता है सिंपल मेथड में, सिंपल मेथड। तो एक तरफ मैंने लिखा है सिंपल मेथड, एक तरफ लिखा है मैंने ट्रांसपोजिंग मेथड। सो कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, 7y माइनस 22 इज इक्वल टू 1, यहां ले लेते हैं 6, 7y माइनस 22 इज 6, और इधर भी ये सेम इक्वेशन ले लेते हैं 7y माइनस 22 इज इक्वल टू 6। सो आप समझ रहे होंगे कि मैं इस इक्वेशन को करने वाला हूं सिंपल मेथड से और इसी सेम इक्वेशन को करने वाला हूं ट्रांसपोजिंग मेथड से। सो ये इसलिए मैं कर रहा हूं ताकि आप दोनों में डिफरेंस देख सके, ताकि आप इजिली चूज कर सके कि मैं आगे बढ़ूंगा कौन से मेथड के साथ पढ़ूंगा, कि सिंपल इक्वेशन के साथ सिंपल मेथड के साथ आगे मूव करूंगा या ट्रांसपोजिंग मेथड के साथ आगे मूव करूंगा। सो इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। चलिए क्या करते हैं इसमें, वही करेंगे कि दोनों तरफ हम सेम नंबर से क्या करेंगे, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी कि 7y माइनस 22 प्लस 22 कर लो इसे मैं, ठीक है कर लो सर, इधर कितना आ जाएगा 6 प्लस 22, ठीक है ना, सेम नंबर से दोनों ऑपरेशन, यानी कि इधर भी प्लस मैंने परफॉर्म किया है 22 के साथ और इधर भी 22 के साथ ही मैंने प्लस परफॉर्म करा है। क्यों करा है 22 ही क्यों करा है, क्योंकि ये 22 एलिमिनेट हो जाए, इसलिए ये सब बताया हुआ है मैंने, है ना, पहले के वीडियोज में, ठीक है। सो 7y प्लस माइनस 22 माइनस 22 इज 0, सो माइनस 0, और इधर कितना हो गया 22 प्लस 6 इज 28, सो इधर कितना बच गया, 7y बराबर 28 के। अब फिर से हमें परफॉर्म करना पड़ेगा एक, यानी कि मैं वाई 7 को एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, 7 को एलिमिनेट के लिए क्या करूंगा कि दोनों तरफ 7 का डिवीजन करूंगा, सो दोनों तरफ 7 से डिवाइड करूंगा, सो 7y ओवर 7 इज इक्वल टू 28 ओवर 7, ठीक है ना भाई, मुझे 7 को अपने वेरिएबल को सेपरेट करना है ना,
अपने वेरिएबल को सेपरेट करना है तो वाई सेवन वाई यहाँ पे लिखा हुआ है तो सेवन को पहले यहाँ से सेवन हटेगा जब तो वाई अकेला बचेगा सेपरेट बचेगा सो सेवन वाई ओवर सेवन यहाँ करा और 28 ओवर सेवन यहाँ करा सो सेवन से सेवन कैंसिल आउट हो गया यहाँ सेवन से सेवन कैंसिल आउट हो गया बचा कौन वाई बराबर सेवन फोर जा 28 सो वाई इक्वल टू फोर तो ये जो मेथड था ये था सिंपल मेथड से अब आ जाते हैं अपने ट्रांसपोजिंग मेथड वाले से तो चलिए कैसे हो जाएगा कि 7y माइनस 22 इज 6 सो हम ट्रांसफर करेंगे जैसे कि आपको पता है ट्रांसफर करेंगे तो जब ट्रांसफर करेंगे LHS से RHS की तरफ तो अपना जो साइन है नंबर का वो अपोजिट हो जाएगा यानी कि माइनस का 22 उधर जाके प्लस का 22 हो जाएगा यानी कि 6 प्लस 22 सो 7y इज इक्वल टू 28 अब y को सेपरेट करना है y को सेपरेट करने के लिए जो 7 जो इनटू में है मल्टीप्लिकेशन में है y के साथ अब उधर साइड जाएगा यानी कि अपोजिट साइड जाएगा इक्वल के तो वो हो जाएगा डिवीजन में क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन में है ना सो y इज इक्वल टू 28 ओवर 7 7 4 जार 18 y का आंसर आ गया 4 तो आप खुद ही अब डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा मेथड आपके लिए बेनिफिशियल है ना सिंपल मेथड मैंने कराया ट्रांसपोजिंग मेथड मैंने कराया सो ट्रांसपोजिंग मेथड में आप देख रहे हैं कि दो तीन स्टेप में ही हमारा क्वेश्चन हो जाए मतलब क्लियर हो गया आप सिंपल इक्वेशन में देखिए कि कितना लंबा कितना प्रोसेस कितना लेंथी है और ट्रांसपोजिंग मेथड में आप देख रहे हैं कि हमने दो से तीन स्टेप करे हैं और हमारा वाई का आंसर हमें निकल गया हमें सिंपल इक्वेशन हमने अपनी सॉल्व कर लिया है ठीक है ना सो ट्रांसपोजिंग मेथड हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो मैंने दोनों में आप डिफरेंस दिखा दिया चूज कर लें कौन से आपका मूव करना है बट आगे जो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन वो करने वाले हैं आपके ट्रांसपोजिंग मेथड से ठीक है ना नोट डाउन कर ले जल्दी से मैं पानी पी लूं तब तक नोट डाउन कर ले चलिए हो गया ओके चलिए मैं मूव करते हैं आगे चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं पहले सिंपल इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं ठीक है ना अब थोड़ा सा ट्रिकी होता जाएगा क्वेश्चन अभी क्या है ना सिंपल इक्वेशन आपको दे रहा था अब थोड़ी सी ट्रिकी है थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा है ना अब क्या ब्रैकेट के साथ आएंगे जो है क्वेश्चन हम चलते हैं पहली क्वेश्चन जो है आपकी वो है 2x + 4 इज इक्वल टू 12 2x + 4 इज इक्वल टू 12 देखिए यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी इंटीजर्स में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी उसमें क्या बताया था कि किसी भी ऐसी स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए ऐसे ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई देना पड़ेगा x में भी और 4 में भी यानी कि 2 को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको पक्का याद होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी उसमें ऐसे ही करते हैं कैसे करते हैं कि 2 का आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा क्योंकि सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि कोई भी क्वेश्चन आए मैथ का कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2x ठीक है ना 2x क्योंकि 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस 2 4 8 ठीक है ना भाई 2 को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना हमें तो x में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और 4 में भी होगा सो 2x प्लस 4 2 8 इज इक्वल टू 12 ठीक है अब अपना वो सिंपल इक्वेशन बन गई है ये सिंपल इक्वेशन बनते ही तो आप तो उड़ा दोगे इसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल एकदम उड़ा दोगे क्या करेंगे 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 8 ट्रांसपोजिंग जो है प्रॉपर्टी ट्रांसपोजिंग जो मेथड है हमने यहाँ यूज कर लिया है मतलब जो प्लस का 8 था अपोजिट साइड गया तो माइनस का 8 हो गया सो 2x 12 माइनस 8 इज 4 बहुत बढ़िया 12 माइनस 8 इज 4 और x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे यहाँ से 4 ओवर 2 2 2 4 यानी कि x इज इक्वल टू 2 आंसर हो गया आपका 2 आंसर हो गया आपका ठीक है ना यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 4 आ गया था x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे मल्टीप्लीकेशन में उधर साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा 4 ओवर 2 हो जाएगा 2 2 4 x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ गई 2 आ गई बहुत बढ़िया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले चलिए मूव करते हैं ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं नोट डाउन कर ले
नोट डाउन कर ले, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए एक बार। चलिए सो -4 इज इक्वल्स टू 5 y -2। -4 इज इक्वल्स टू 5 y -2, ठीक है ना। सो वही सबसे पहले ब्रैकेट, सबसे पहले पहले हमें ब्रैकेट दिखना चाहिए ऐसे इस मतलब सिचुएशंस में। सो -4 इज इक्वल्स टू, फिर वही डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी यहां पे यूज होगी। सो 5y और 5 2 10 यानी कि माइनस का 10। -4 इज इक्वल्स टू 5y -10। चलिए आगे मूव करते हैं। अब उधर मुझे क्या दिख रहा है, राइट हैंड साइड पे मुझे वेरिएबल के साथ जो दिख रहा है -10 दिख रहा है। अब मुझे वेरिएबल को सेपरेट करना है, यानी कि -10 को मैं क्या करूंगा, मूव करूंगा राइट हैंड साइड पे, -10 को मूव करूंगा राइट हैंड साइड पे। सो -10 जो होगा वो हो जाएगा +10। सो -4 +10 इज इक्वल्स टू 5y, -4 + 10 इज इक्वल टू 5y। आगे मूव करते हैं, -+ -, 10 - 4 = 6। कैसा 6, प्लस का या माइनस का, आप जानते हैं प्लस या माइनस का, बहुत 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 ही ज्यादा डिटेल में मैंने पढ़ाया ये चीज इंटीजर्स में, प्लस का या माइनस का, वेरी गुड माइनस का, क्योंकि जो हमारा साइन है वो बड़े नंबर के साथ है जो है प्लस है। सो प्लस का 6 इज इक्वल टू 5y। सो y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 6/5 इज इक्वल टू y की वैल्यू आ जाएगी हमारी। 6 को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि y के साथ जो 5 है वो मल्टीप्लीकेशन में है। अब y को अगर मुझे अकेला करना है, सेपरेट करना है, तो सेकंड साइड यानी कि अपोजिट साइड हमारा 5 आएगा, जो मल्टीप्लीकेशन में था उधर वो इधर आके डिविजन में आ जाएगा। सो 6/5 इज इक्वल टू y। सो y की वैल्यू हमारी आ गई 6/5। अब देखिए आपको ये बात पहले में मैंने बताई थी, अब फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं हम खुद चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप क्या करें, सिंपली y की वैल्यू क्या करें, आप किसमें रख दें, अपनी गिवन इक्वेशन में रख दें, सो -4 गिवन इक्वेशन में रख दें और देखें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं या नहीं। अगर बराबर आ रहे हैं सो y की वैल्यू हमारी बिल्कुल सही आई है। सो -4 इज इक्वल टू 5 y माइनस टू, ठीक है। सो -4 इज इक्वल टू 5 y क्या हो जाएगा, 6/5 -2, ठीक है। सो -4 इज इक्वल टू 5 × 6/5। क्यों, क्योंकि वही डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी आप याद रखें, बहुत यूज होने वाली है कि 5 को मुझे दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 6/5 में भी डिस्ट्रीब्यूट करने को पड़ेगा 5 को, अब 5 को मैं 2 में भी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा यानी कि 2 से भी मल्टीप्लाई करूंगा। सो 5 × 2 = 10, माइनस का 10 यहां पर रह जाएगा, सो -4 5 से 5 कैंसिल आउट, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर कैंसिल आउट हो जाते हैं। बचा यहां पर कौन, बस खाली 6 बचा, और इधर कौन बचा, इधर बचा 10। सो -4 इज इक्वल टू 6 - 10, सो -4 इज इक्वल टू +6 - 10। सो +- 10 - 6 = 4, बट माइनस का 4, क्यों माइनस का 4, क्योंकि जो माइनस है मेरा बड़े नंबर के साथ है, सो इसलिए माइनस का साइन आएगा आपका आंसर के साथ। सो -4 इज इक्वल टू -4 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो y की वैल्यू जो मेरी आई थी 6/5 वो बिल्कुल ठीक आई थी, y की वैल्यू जो 6/5 आई है मेरी वो बिल्कुल ठीक आई है। क्यों आई है, क्योंकि LHS बराबर RHS आ गया है मेरा। ओके बात क्लियर है, ठीक है ना, जल्दी से नोट डाउन कर ले, फिर रफ कर दे रहा हूं मैं, नोट डाउन कर ले जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी बढ़ेंगे आगे। चलिए 16 इज इक्वल टू 4 + 3 आर प्लस टू, 16 = 4 + 3 r + 2, ठीक है। सो सबसे पहले वही बात कि आप ब्रैकेट देखेंगे, 16 = 4, ठीक है। सो 3 × r = 3r + 3r, और 3 × 2 = 6,
सो प्लस सिक्स, प्लस क्यों आया, क्योंकि प्लस थ्री भी मेरा प्लस है और जो टू है वो भी मेरा प्लस है, सो प्लस 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 और थ्री टू जर सिक्स। चलिए अब तो बहुत इजी हो गया हमारे लिए, अब तो बहुत ज्यादा इजी हो गया, सिंपल इक्वेशन बन गई ना आप तो, ये अब तो जल्दी से उड़ा दीजिए इसे क्वेश्चन को। सो क्या हो जाएगा, सिक्सटीन इज इक्वल टू सिक्स प्लस फोर, सिक्स प्लस फोर टेन, सो टेन प्लस थ्री आर, ओके नेक्स्ट चलते हैं। सो सिक्सटीन और टेन को मैं ऑपोजिट साइड ले आऊंगा क्योंकि सेपरेट करना है, सो सिक्सटीन माइनस टेन इज इक्वल टू थ्री आर। नेक्स्ट चलते हैं, 16 माइनस टेन इज 6 और यहां पे बच गया 3r, सो मीन्स 6 ओवर 3 इज इक्वल टू r, सो 3 टू जार 6 होता है, सो r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 2, यानी कि इस इक्वेशन का जो आंसर आ गया, यानी कि इस वेरिएबल का जो आंसर आ गया वो हो गया r इक्वल टू 2। दोबारा समझिए, 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 3r प्लस 3 ब्रैकेट r प्लस 2 दिया हुआ था हमें, हमें क्या करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा करके पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, सो 3r यानी कि 3 इंटू r इज 3r प्लस 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 3 टू 6, 4 ऐसे ही रहेगा, सो 4 प्लस 6 इज 10, 16 इज इक्वल टू 10 प्लस 3r, ठीक है, 16 माइनस 10, 16 माइनस ये वाला माइनस 10 इज इक्वल टू 3r, सो 6 इज इक्वल टू 3r और r की वैल्यू हो गई 6 ओवर 3, 3 टू 6, सो r हो गया आपका 2। आई होप बात क्लियर है आपको, बात समझ में आ रही है आपको। ट्रांसपोजिंग मेथड हम कर रहे हैं, ट्रांसपोजिंग मेथड हम सीख चुके थे, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब देखिए एक चीज और आती है एग्जाम में, एक चीज और आती है एग्जाम में, वो क्या आती है, अब एग्जामिनर कह रहा है कि भाई आपने इक्वेशन से सॉल्यूशन ढूंढ लिया, यानी कि इक्वेशन से आप r इक्वल टू 2 आ गए, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि r से यानी कि सॉल्यूशन से इक्वेशन बना सकते हैं। एग्जामिनर ऐसे पूछता है कि भाई आप मुझे जो आंसर आया है यानी कि रिवर्स कर दीजिए, मैं अगर यहां से ऐसे चल रहा हूं आप ऐसे कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, ठीक है, यानी कि जो सॉल्यूशन आया आप उससे इक्वेशन बना दीजिए। चलिए कोशिश करते हैं बनाने की, है ना। चलिए क्या आ गया था, r इक्वल टू 2 आ गया था, r इक्वल टू 2 आ गया था, ठीक है, r इक्वल टू 2, सो मल्टीप्लाइड बाय गिवन इक्वेशन, मल्टीप्लाई गिवन इक्वेशन बाय 2। आप जो ऊपर जो ये इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन है ना, r इक्वल टू 2, इक्वालिटी का साइन है, सो इक्वेशन ही हुआ, सो इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, सो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, ये कितना हो जाएगा 2r प्लस 2r इज इक्वल टू 2, दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा ना 2 2 का, सो r में भी 2 का मल्टीप्लाई हो गया जो हो गया 2r, और 2 में भी मल्टीप्लाई हो गया 2 में मल्टीप्लाई 2 का होगा तो 4 हो जाएगा ना, 2 में मल्टीप्लाई 2 का होगा तो 4 हो जाएगा, 2r प्लस 2r इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, एड 4 बोथ साइड, एड 4 बोथ साइड, सो जब एड कर देंगे क्या हो जाएगा, 2r प्लस 4 इज इक्वल टू 8, तो क्या इक्वेशन नहीं बन गई, 2r प्लस 4 इक्वल टू 8, क्या इक्वेशन नहीं बन गई। तो इस तरह क्या कर सकते हैं आप, इसमें मल्टीपल क्या कर सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं, नंबर ऑफ इक्वेशन बना सकते हैं, एक ही रिजल्ट से, एक ही सॉल्यूशन से नंबर ऑफ इक्वेशन बना सकते हैं। भाई जैसे मैंने यहां 2 से मल्टीप्लाई करा है, आप यहां 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इनके हिसाब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिचुएशन क्या होगी उस टाइम पे, 4r यहां पे हो जाएगा और आपका 2 4 8 यहां पर हो जाएगा, सो जब आपने 4 से इंटू करा सो 4r इक्वल्स टू 8 हो गया, आप इसमें आप कुछ भी ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो इक्वेशन इससे अलग आएगी, ये इक्वेशन इससे अलग आएगी, आई गया नहीं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो दोनों इक्वेशन अलग आएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही रिजल्ट से, एक ही आंसर से आप नंबर ऑफ इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, नंबर ऑफ इक्वेशन आप फॉर्म कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है, जब हमने सीखा कि भाई इक्वेशन से सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो ये उल्टा कर दिया हमने, हम कह रहे हैं कि सॉल्यूशन से इक्वेशन बना दो ना, तो हमने बना दी, हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में,
टू से, तो टू आर इक्वल टू फोर हो गया, फिर हमने ऐड कर दिया दोनों में फोर, सो टू आर प्लस फोर हो गया इक्वल टू फोर प्लस फोर एट हो गया। बात क्लियर है, बात क्लियर है ना। चलिए सो आज के लिए इतना ही, आज जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आया था मैं आपके लिए ट्रांसपोजिंग मेथड के, और ये एक चीज थी जो आपको बतानी थी। अब इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं हम, वो एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, सिंपल इक्वेशन का एप्लीकेशन पढ़ने वाले। मींस सिंपल इक्वेशन में जो जो आपके वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं, सिंपल इक्वेशन की मतलब कहते हैं कि बैकबोन है कौन, वर्ड्स प्रॉब्लम, वही सबसे ज्यादा आती है। आप कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम ले ले, कोई भी आप ओलंपियाड का एग्जाम ले ले, सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है वर्ड्स प्रॉब्लम पूछी जाती है सिंपल इक्वेशन से। सो उसकी एक सेपरेट वीडियो मैं बनाने वाला हूं, उसमें क्या है कि मैं आपको वर्ड्स प्रॉब्लम करवाऊंगा वो इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। मतलब कैसे कि भाई कोई एक रेलगाड़ी इतने स्पीड पे चल रही है, वो इतने इतने टाइम से उसकी स्पीड बढ़ा दी जाती है, तो ये सारी चीजें हैं जो एप्लीकेशन में आती है, सिंपल इक्वेशन के एप्लीकेशन में आती है। तो वो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, उसमें क्या है एप्लीकेशन के जो क्वेश्चन है सिंपल इक्वेशन के वही कराऊंगा, और वो कराने के बाद आपका सिंपल इक्वेशन हो जाएगा कम्प्लीट। सिंपल इक्वेशन में जो एप्लीकेशन है वो लास्ट पार्ट है वर्ड्स प्रॉब्लम का, वो आपको कराऊंगा, उसके बाद जो है सिंपल इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी, बात बिल्कुल सीरियल वाइज सीरियल चल रही है, मतलब सीक्वेंस में चल रही है ना। तो वीडियो को यहीं आज वाइंड अप करते हैं। आज की वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो जरूर पूछेगा मुझे, मैं ये नहीं बोलूंगा आप वीडियो लाइक करें। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट आ रहा है पसंद आपको, तो जरूर लाइक करें, फिर लाइक करे बिना नहीं जाना है आपको, ठीक है। सो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिसे आपको लगता है कि हाँ भाई इन वीडियो का जो बेनिफिट है उन्हें भी मिल सकता है, तो उनके साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। सो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।